नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज की और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारतीय दिग्गज सौरभ गांगुली ने तय कर दी टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 और साथ ही साथ अफगानिस्तान के खिलाफ बता दिया पूरा जीत का फार्मूला और भारतीय टीम के लिए होगी पूरी जीत आसान। तो आखिर किस तरीके से भारतीय टीम जीत दर्ज करने वाली है, क्या है जीत का फार्मूला और किस प्लेइंग 11 के साथ किस टीम के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरने वाली है अफगानिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते तो भारतीय टीम के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला बुधवार 11 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। मैच से शुरुआती दबाव झेलने वाली भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ रविवार को वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में एक तरफा जीत करने के इरादे से उतरेगी। कप्तान रोहित शर्मा ने भी कह दिया है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती 9 अलग अलग जगहों पर हालत के अनुरूप ढालने की होगी। लेकिन इसी बीच दोस्तों, भारतीय दिग्गज सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया की मुश्किलों को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया के लिए एक ऐसा जीत का फार्मूला दे दिया है जिसके दम पर भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज कर पाएगी और साथ ही साथ वर्ल्ड कप में अपना दावा और भी ज्यादा मजबूत कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ खास नहीं है और ऐसे में भारतीय दिग्गज सौरभ गांगुली ने रोहित शर्मा को एक खास सलाह दे दी है, एक खास राय दे दी है जिसके दम पर दोस्तों टीम इंडिया को जीत हासिल होगी। और साथ ही साथ सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्लेइंग 11 चुनी है। बात करते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 की, यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करते नजर आएंगे। जहाँ दोस्तों बहुत ही सबसे खतरनाक ओपनर है टीम इंडिया के भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। ब्रूस हेजलवुड की अंतराती गेंद पर रोहित अपना विकेट गंवा बैठे थे और ऐसे में वो अफगानिस्तान के खिलाफ रन बनाकर फॉर्म में अपनी वापसी करना चाहेंगे। लेकिन इस मैच में भी उनकी चुनौती दोस्तों कम नहीं होने वाली है। तो भैया उनका सामने एक बार ऐसे गेंदबाज से होगा जिसके आगे रोहित अभी तक फीके नजर आए हैं। हालांकि दोस्तों इस बार रोहित के लिए एक आसान काम कर दिया है सौरभ गांगुली ने। जीत का फार्मूला बता दिया है किस तरीके से उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करनी है, तभी टीम इंडिया जीत पाएगी। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में रोहित पर कप्तानी के साथ साथ ओपनिंग की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। पिछले मैच में दोनों भारतीय ओपनर बिना खाता खोले आउट हो गए थे। रोहित इस बार अच्छी शुरुआत देना चाहेंगे, लेकिन रोहित के सामने अफगानिस्तान के प्रमुख लेग स्पिनर राशिद खान होंगे। राशिद के खिलाफ रोहित का प्रदर्शन अभी तक खास नहीं रहा है, वह हमेशा रन बनाने के लिए जूझते नजर आए हैं। हालांकि वनडे फॉर्मेट में अभी तक दोनों का आमना सामना नहीं हुआ है। दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला साल 2019 में खेला गया था। इस मैच में रोहित जल्दी आउट हो गए थे। रोहित शर्मा ने अभी तक राशिद खान की 34 गेंदों का सामना किया है, जिसमें वह सिर्फ 34 रन ही बना चुके हैं और इस दौरान राशिद खान ने रोहित को 4 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है। लेकिन इस बार दोस्तों रोहित शर्मा कमाल की बैटिंग करने वाले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि सौरभ गांगुली ने रोहित शर्मा को बता दिया है कि आखिर किस तरह से उन्हें राशिद खान के आगे बल्लेबाजी करनी है। दरअसल दोस्तों सौरभ गांगुली ने कहा कि रोहित शर्मा अगर डिफेंडिंग बैटिंग करते हैं, अगर शुरुआत में अगर राशिद खान की ओर में डिफेंस करके बल्लेबाजी करते हैं और अपना विकेट बचाए रखते हैं और उसके बाद अगर उन्हें शॉट लगाने हैं तो किसी और गेंदबाज के ऊपर काफी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, शॉट लगा सकते हैं। लेकिन राशिद खान को उन्हें डिफेंड करके ही खेलना होगा। अगर रोहित शर्मा लंबे शॉट लगाते हैं तो उन्हें आउट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और ऐसे में रोहित शर्मा इस बार लंबी पारी खेलने वाले हैं। चार दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा को ये विजयी फॉर्मूला मिल चुका है। आखिरी दोस्तों उनके साथी खिलाड़ी तो ईशान किशन ओपनिंग में साथ देते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं टीम इंडिया के लिए और उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भी अभी शुभमन गिल वापसी नहीं कर पाएंगे और ऐसे में आने वाले बड़े मुकाबले के लिए भी जिम्मेदारी ईशान किशन पर जाने वाली है और ऐसे में ईशान किशन जरूर चाहते हैं कि भारतीय टीम के लिए जरूर अच्छा प्रदर्शन करें। साथ ही साथ सौरभ गांगुली ने ईशान किशन को भी नसीहत दे दी है कि कह दिया है कि यहाँ पर अगर ईशान किशन को टीम इंडिया अपनी जगह बनानी है तो इस बार वर्ल्ड कप में उन्हें कमाल करके दिखाना होगा। अगर ईशान किशन वर्ल्ड कप जीता देते हैं टीम इंडिया को तो आने वाले 200 फॉर्मेट्स में उनकी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। बात की जाए दोस्तों अगले खिलाड़ी की तो नंबर 3 पर नाम आता है विराट कोहली का। जहां दोस्तों टीम इंडिया के किंग कोहली विराट रन मशीन कमाल की गेंदबाजी कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाते हैं और किसी भी विरोधी टीम के खिलाफ जमकर चौके छक्के लगाने का भी दम रखते हैं। किसी भी फंसे हुए मैच को निकाल सकते हैं। भले ही रोहित शर्मा राशिद खान के खिलाफ बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन विराट कोहली दोस्तों जमकर बल्लेबाजी करने वाले हैं क्योंकि इस बार विराट कोहली का यहां पर होम ग्राउंड होने वाले हैं। दोस्तों सौरभ गांगुली ने कहा कि विराट कोहली अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाले हैं और जहां से वो शुरुआत कर चुके हैं और ऐसे में विराट कोहली का प्रदर्शन इस बार खास देखने को मिलेगा, फैंस को उम्मीद होगी। और साथ ही साथ उस हर एक फैंस से उम्मीद कर रहा है कि आखिर जब विराट कोहली नवीन हुलक के आगे उतरेंगे तो किस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाएंगे, किस तरह का उनका प्रदर्शन रहेगा। हर एक क्रिकेट फैंस इसको लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है और ऐसे में विराट कोहली कभी भी अपने फैंस को निराश नहीं करते हैं और इस बार भी विराट कोहली तगड़ी पारी खेलने वाले हैं। बात की जाए अगले खिलाड़ी की तो दोस्तों
नंबर चार पर नाम आता है श्रेयस अय्यर का। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने बहुत ही बुरी पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर टीम इंडिया से उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरी तरह से फ्लॉप रहे। हालांकि सौरभ गांगुली ने श्रेयस अय्यर को एक और मौका दिया है और कह दिया है कि श्रेयस अय्यर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्हें मैं बहुत ही समय से जानता हूं, अच्छी लय में है, लेकिन इस समय कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फीके पड़ गए, लेकिन इस बार अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी खासी बल्लेबाजी करके दिखाएंगे, क्योंकि एशिया कप में भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है और ऐसे में मैं भरोसा जताता हूँ कि श्रेयस अय्यर को जरूर मौका दिया जाए। पांच की बात की जाए तो दोस्तों, ऑलराउंडर कुंफू पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का साथ देते नजर आएंगे। गेंद और बल्ले से कमाल का ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए इस बार ब्रह्मास्त्र साबित होगा। जी हां दोस्तों, शुरुआती विकेट गिरने के बाद सारी जिम्मेदारी निचले क्रम के बल्लेबाजों पर आ जाती है और ये जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या बखूबी निभा सकते हैं, क्योंकि चाहे फिर वो गेंद से कमाल करना हो या फिर बल्ले से धमाल करना हो, सब कुछ में हार्दिक पांड्या बिल्कुल माहिर है। और ऐसे में सौरभ गांगुली ने हार्दिक पांड्या को जगह बिल्कुल पक्की कर दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हार्दिक पांड्या आने वाले समय में टीम इंडिया का फ्यूचर है, टीम इंडिया का भविष्य है और ऐसे में हार्दिक पांड्या को मौका मिलना बहुत जरूरी है। कि जा दोस्तों, अगले खिलाड़ी तो नंबर छह पर नाम आता है विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल का। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, 97 रनों की धमाकेदार पारी खेली, छक्के चौके भी जड़े, लेकिन हालांकि उनका शतक पूरा नहीं हो सका, शतक से जरूर चूक गए, उससे पहले ही भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली और ऐसे में केएल राहुल इस बार जरूर चाहेंगे कि अफगानिस्तान के खिलाफ एक धमाकेदार शतक जरूर लगाया जाए और टीम इंडिया को एक बेहतरीन पारी खेलकर दिखाई जाए। टीम इंडिया ने अपनी जगह का बिल्कुल पक्की कर दी है। जी हां दोस्तों, केएल राहुल से जहां आलोचना उन पर बुरी तरह से भड़क रहे थे, लेकिन इस बार केएल राहुल ने कह दिया है कि मैं हर एक बंदे को जवाब दूंगा और अपनी बल्लेबाजी से सबका मुंह तोड़कर रख दूंगा और अफगानिस्तान को खुला चैलेंज कर दिया है दोस्तों केएल राहुल ने। साथ ही साथ सौरभ गांगुली ने भी कहा कि मैं इस खिलाड़ी पर भरोसा जताता हूं, मेरा भरोसेमंद खिलाड़ी है और इसे जरूर मौका मिलना चाहिए। बात करें दोस्तों अगले खिलाड़ी की तो नंबर सात पर दोस्तों सौरभ गांगुली ने यहां पर रविंद्र जडेजा को मौका दिया है। यहां दोस्तों भारतीय टीम के बेस्ट ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, गेंद से भी कमाल का प्रदर्शन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छी खासी किफायती गेंदबाजी करके दिखाई थी, 3 विकेट लिए थे और ऐसे में सौरभ गांगुली बोले कि किसी भी खिलाड़ी को बाहर कर सकते हैं, लेकिन जडेजा भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऐसे में जडेजा की जगह बिल्कुल पक्की है। बात की जाए दोस्तों दो स्पिन गेंदबाजों की बचते हैं तो यहाँ पर रविचंद्र अश्विन और साथ ही साथ कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों कमाल के दोनों ही गेंदबाज हैं, अश्विन के अंदर ये काबिलियत है कि वो निचले क्रम में आकर बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए। और वहीं कुलदीप यादव की बात की जाए तो कुलदीप यादव दोस्तों कमाल के स्पिन गेंदबाज हैं, काफी अच्छी खासी किफायती गेंदबाजी करते हैं और विकेट चटकाने में बहुत माहिर हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट भी लिए थे, लेकिन इस बार कुलदीप यादव कुछ अलग ही कमाल करना चाहेंगे। इस बार चाहेंगे कि एक साथ यहां पर अफगानिस्तान टीम के 5-5 विकेट चटकाए जाएं। साथ दोस्तों सौरभ गांगुली ने कहा कि यहां पर इस स्पिनर कुलदीप यादव भारतीय टीम का एक अगला भविष्य है और काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये खिलाड़ी टीम इंडिया को जरूर वर्ल्ड कप जीतेगा। बात की जाए दोस्तों अगले 2 तेज गेंदबाजों की तो यहां पर सौरभ गांगुली ने दोस्तों मोहम्मद सिराज और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह को मौका दिया है। सिराज कमाल के खिलाड़ी हैं। सौरभ गांगुली ने कहा कि एशिया कप में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ सिराज ने 6 विकेट चटकाए थे और इस पर दोस्तों भरोसा करते हुए मैं सिराज को मौका देना चाहता हूं और साथ ही साथ बुमराह ने भी जब से चोट के बाद वापसी की है और तब से काफी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के दम पर बुमराह की जगह भी बिल्कुल मैं पक्की कर देता हूं। दोस्तों आपको कैसी लगी यहां पर सौरभ गांगुली के द्वारा प्लेइंग 11 भारतीय टीम की, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया जीत पाएगी? यार प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।